मिला, भरपूर सहयोग मिलता है और अयोध्या धाम का ये और बट आज एक बैड न्यूज है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया कल रात को। यहाँ पे जब मैं जाकर देखने आई थी, मैं तो दिन से लेकर चली गई थी, 9 बजे निकल गई थी यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे जब बी प्राक्स जी आए थे, उसके बाद बहुत बड़ा कांड हुआ गाइस, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और मैं इसलिए मंदिर आई आज। ये वही जगह है गाइस, यहाँ पे कल रात को आपने देखा हो काफ़ी पब्लिक थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आज किसी ने सोचा था ये सब हो जाएगा 11 बजे के बाद। 11 बजे तो बीपरा गए थे, तो ये कांड हुआ था 1 बजे, मतलब इतना बड़ा हादसा 1 बजे राउंड हुआ था, जो स्टेट गिर गया था यहाँ से जिस पे बैठे थे मतलब बंदे, तो इसमें काफ़ी घायल हो गए 17-18 लोग। और सुनने में आया एक दिन की डेथ भी होगी, जो आंटी थी बुज़ुर्ग थी। बीपरा भी आए थे 11 बजे इंटरव्यू की, तो पब्लिक चढ़ रही थी स्टेट पे, जबकि उनको बार बार वॉर्न किया जा रहा था कि नीचे उतर जाओ, सेवादारों से भी कहा जा रहा था कि नीचे उतर जाओ आप प्लीज़, इतनी भीड़ मत करो स्टेट पे। पर लोग नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे चीज़ों के साथ मतलब, तो स्टेट गिर गया। और बी प्राग ने भी कहा था कि उतर जाओ, सबको बोला था कि नीचे उतर जाओ स्टेट से, कोऑपरेट करो प्लीज़ थोड़ा सा, तो नहीं मान रहे थे लोग उनकी बात में। तो स्टेट गिरने से एक महिला की मौत हो गई जो बुज़ुर्ग थी, और कम से कम यहाँ पे 17-18 लोग घायल हो गए गाइस, उनको चोटें आई हैं स्टेट गिरने की वजह से, क्योंकि भगदड़ मची, लोग अपने उल्टे पर भाग रहे थे मतलब, तो किसी को देख रहे थे कौन गिर रहा है, उठाए किसी को नहीं, तो ये कोई नहीं देखा था। देख सकते हो आपका पीछे की हालत क्या है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया कल रात को, मैं तो जल्दी चली गई थी आपको पता ही है, क्योंकि भीड़ थी इसलिए मैं नहीं रुकी थी ज़्यादा देर यहाँ पे। इतना बड़ा कैसे पड़ा सामान सारा, ये वही जगह है जो कल रात को इतनी अच्छी रौनक वगैरह थी, यहाँ पे सब कुछ था। ओह गॉड, भैया आप थे यहाँ पे कल रात को जब ये हुआ था? नहीं थे, सुबह आए हो आप, हुआ क्या था इगली तब? जैसे मतलब बता दे, स्टेट गिर गया था मेरे को कोई जानकारी नहीं, मैं सुबह आया हूँ करोल रात से। देख सकते हो यहाँ पे, और लोग अभी भी देखो चढ़ के फोटो खींच रहे हैं वहाँ पे आके ऊपर। ये वही जगह है गाइस, कल इतनी धूमधाम मतलब पूजा पाठ हो रही थी, यहाँ पे जागरण था, इतने अच्छे से लोग कर रहे थे, आज वही जगह है ये। तो गाइस इनका इंटरव्यू लिया, रात को पूछा गया जो हादसा हुआ था उस टाइम ये यहाँ पे थे। जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात तो यहाँ पे मतलब उस टाइम पे जब हादसा हुआ था गाइस, 12:30 निकल गए थे आप, क्योंकि 9 बजे तो मैं ही निकल गई थी यहाँ 9:30 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं नहीं रुकी थी उस टाइम पे। कन्हैया मित्तल जब आए थे
तो ये मुझे मैंने ये न्यूज़ पे मिली आए थे, मतलब मेरा भी ब्लॉग अच्छा ब्लॉग चल रहा है, तो इनसे काफ़ी अच्छा लगा बात करके। ठीक है, ये भी अपना काम कर रहे हैं, इनका भी अपना काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं गाइस, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होने के बाद सब अपना ही बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा होता तो सही रहता, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो बाद में सब यही बातें बनाते हैं। हाँ मैंने भी करा तो गाइस यही चलता रहता है, अपना नंबर दे रहा है। तो जितने भी कार्य करते हैं न्यूज़ रिपोर्टर सारे गाइस अपना काम कर रहे हैं, सभी जो भी पूछताछ का काम है ना तो उससे वो सब पूछताछ चल रही है मतलब यहाँ पे। तो ये जो भैया जी ये पूछ रहे हैं मतलब क्या हुआ था क्या नहीं इन लोगों से, जो मतलब वो हादसे के टाइम जो लोग थे वही थे। चाहूँगी यहाँ के जो सेवादार है ना, अपने आप को समझते हैं कि हमने ये मंदिर खरीद लिया है, सीरियसली बताऊँगी मैं। आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहना। यहाँ की जो सेवादार है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने को लगता है कि यही मंदिर उन्होंने खरीद लिया है सीरियसली। जो सेव वो यहाँ जो भक्तजन आते हैं, जो भक्तजन पहली बार हुआ है, भक्तजन आते हैं जो भी दर्शन करने के लिए, कोई रिस्पेक्ट करता है उनकी, धक्के मार के तू उधर जा दर्शन नहीं, VIP दर्शन करने लाओ पैसे दो। अरे कल हमको आरती नहीं गाने दिया, देखो ये अंकल बेचारे बोल रहे हैं डेली आरती गाने आते थे शिव मंदिर तो नीचे है ना। हाँ मैंने देखा है, देखो पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसे तो हर एक साल होता है जागरण यहाँ पे। नहीं गाने दिया कल, लो अंकल बता रहे हैं कि डेली आरती गाते थे, मतलब तो कल इनको आरती नहीं करने दिया, आने नहीं दिया, फिर हम चले गए उधर अपना। जो इंसान डेली आ रहा है, डेली पूजा पाठ कर रहा है तो उसको तो एटलीस्ट आने दो। अरे गेट पर मतलब कि सही आदमी होना चाहिए, जैसा तैसा आदमी रहता है करता, हम तो कहने पाते जैसा तैसा आदमी को देता। तो अंकल ये भी है ना यहाँ पे जो सेवादार है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो ये समझता है कि ये मंदिर हमारा है। नहीं है मैडम हम सेवादार, तो मैं भी सेवादार नहीं हूँ भाई, हम तो रोज ड्यूटी जाते हैं। मेरा बस ये है कि माँ के दर्शन करो अपने घर जाओ, रास्ते में हमको शंकर जी मिलते हैं, उसके बाद 6 बजे हम आरती गाते हैं फिर चल जाते हैं। सेवा का मतलब अंकल क्या है आप बताइए, सेवा किस चीज़ को कहते हैं? निस्वार्थ सेवा, कोई भावना नहीं, कोई भावना नहीं, निस्वार्थ सेवा। यहाँ पे क्या होता है सेवादारों का, अगर कोई उनकी फैमिली से आए, कोई जानने वाला आ गया, तू तो जब VIP गेट से उसको जाओ, तू VIP गेट से जाओ, चला जाओ, जो नहीं जानने वाला है उसको धक्के मार के बाहर भेज दिया जाता है। तो इसलिए यही होता है यहाँ पे। मैं 2016-17 कुपित हो गए, चलो माता तो जा रहे हैं, 2016 से आ रही हूँ अंकल मैं रेगुलर, और काफ़ी दिनों से उस टाइम मैं दिल्ली आती थी सेवा करती थी, बट लॉकडाउन के बाद क्या हुआ यहाँ के जो लोग हैं, तो क्या इस यहाँ का यही है, और गलती है किसी की नहीं है, लोग यहाँ सिर्फ खुद ही कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मैं किसी की गलती नहीं मानूंगी यहाँ पे। यहाँ पर गेट पर अच्छे आदमी होना चाहिए, जानकार फोन के साथ ये पुलिस वाले जी, पुलिस वाले नहीं थे, वो सब बोल रहे हैं कुछ लोग यहाँ के सेवादार हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था, कोऑपरेट खुद तो खुद में इतना दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करो। तो गाइस अब बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग बंदा देखने के लिए आ रहे हैं जो हादसा हुआ है रात में, और शासन से गलत नहीं सरा सकते क्योंकि गलती है। पुलिस वाले कम थे मतलब पुलिस वाले कम थे, और यहाँ पे मतलब लोगों के लिए सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, इसीलिए हादसा हुआ ताकि मतलब पब्लिक को संभाल नहीं पा रहे थे, और प्रशासन की गलतियाँ बताई जा रही हैं गाइस इसमें। पर मैं मानती हूँ कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं, हमें भी हमारे ध्यान रखना चाहिए, इतने अंधे मत हो जाओ कि कोई आया सेलिब्रिटी आप अपनी जान को ना देखो या दूसरों के बारे में ना सोचो। तो कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं गाइस, सारी प्रशासन के ऊपर नहीं डाल सकते, हम प्रशासन के ऊपर नहीं डाली जा सकती सारी गलतियाँ, मेरा कहने का मतलब यही है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो सेवादार है वो भी कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है, थोड़ी सी पुलिस वाले नहीं थे, ये कम थे वो कम थे, फलाना था ढिमका था, बस वही था। तो चलते गए सब घर, घर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइस मैं आ चुकी घर, और मैंने रास्ते में देखा कि वहाँ पे जो लोग थे ना कुछ बात कर रहे थे, कह रहे प्रशासन की गलती है, मतलब हर बात में मतलब प्रशासन को क्यों लेके आते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। कुछ गलतियाँ हमारी भी होती है उसके अंदर, कि हमारे पास अपना दिमाग नहीं है, अगर हम कहीं बैठे हैं भीड़ में क्यों ज़्यादा घुसे।
दूर से भी दिख सकती है चीज़ें जो हमें देखना है जागरण। जूम का भी एक ऐसे कोई वीडियो बनानी है तो उसमें जूम का भी एक ऐप मतलब ऑप्शंस होता है कैमरे के अंदर दिया हुआ, तो उससे बना लो। मैंने भी ऐसी बनाई थी। हर चीज़ में प्रशासन को ही लाते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को ये समझ नहीं आया आज तक। सुबह आती गाइज, तो इसी बात से वीडियो को लाइक कर देना गाइज, और जो चैनल पर नया हो उस चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करने से ज़्यादा एंड कमेंट करना काफ़ी सारे। एंड मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, सी यू टुमारो, सबको राम राम। ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी बड़ी है।